हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आखिरकार वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है जब हमारे बीच है आपकी लाडली, आपकी फेवरेट शहनाज गिल के पापा संतोख सिंह सुख। तो शहनाज गिल के पापा से हम आपके मन की जो बातें हैं वो करेंगे और वो सवाल पूछेंगे और एक चर्चा करेंगे। तो स्वागत है जी सुख साहब आपका हंग्री स्पेस चैनल में और खासकर मुंबई शहर में। थैंक यू जी। सबसे पहले सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं शहनाज का पापा संतोख सिंह सुख, आज देख रहे हो आप मुझे हंग्री स्प्रिट्स पे, बहुत सारी बातें करेंगे। सो जी, सबसे पहले तो मेरा ना एक सवाल, हम लोग आपस में बात करते हैं मैं और अंजू जी, तो कि ये बिग बॉस में जाने का ख्याल कैसे आया शहनाज के मन में? एक्चुअली चलो आज नवीन जी के साथ फेस टू फेस बात हो रही है, पास पास बैठे हैं आज, पहले तो नहीं तो वीडियो ही भेजते थे, ऑडियो भेजते थे इनको, आज पास बैठ के बात हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू नवीन जी। तो एक्चुअली था क्या था कि हमारे जो रूम्स के अंदर ना, हमारे घर में बहुत सारे रूम हैं, तो जैसे 15 रूम है हमारे घर पे, तो क्या है ना कि हर हर रूम के अंदर छोटे छोटे टीवी लगे हुए हैं। तो जब बिग बॉस आता था तो एक हमारी लॉबी में, अब तो चलो आम सी बात हो गई है, हर घर में 50-50 इंच की LCD होती है ना। तो पहले क्या था कि बहुत कम लोगों के पास, जो नए नए आए थे, आज 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो जब बिग बॉस आता था तो हम लोग आपस में झगड़ा करते थे कि वो शहनाज हो गई, जैसे हम लोग हो गए कि हम प्रोग्राम देखेंगे टीवी पे, बिग बॉस देखना है, उन्होंने बोलना कि पापा हमने बिग बॉस देखना है, मैंने बोलना नहीं 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 मैं तो कोई और प्रोग्राम देखूंगा। तो ऐसे हमारा ना थोड़ा सा प्यार वाला झगड़ा हो जाता था कभी कभी जी जी। तो शहनाज क्या था कि जब बिग बॉस आता था तो उसको फॉलो करती थी, तो फिर हम साथ में बैठ के देखते थे, तो शहनाज कभी कभी बोलती थी कि पापा मैं भी कभी बिग बॉस में जाऊंगी, तो मैं हंसने लग गया, तू बिग बॉस में जाएगी, तू कौन सी को बड़ी एक्टर है, है ना, तू कौन सी एक्टर है। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था जी, शहनाज छोटी थी उस टाइम पे, तो क्या था ना कि उसको इतना छोटी थी वो, तो उसको इतना शौक जरूर था कि वो आईने के सामने खड़ी होकर डांस करना, वो पंजाब की एक सिंगर है मिस पूजा, उसके जैसे वो उसने एक्टिंग करनी, जैसे वो गानों में डांस करती है जी, उसकी कॉपी करनी, फिर आ गई कटरीना कैफ को कॉपी करने लग गई। तो क्या था कि इसको बड़ा शौक था एक्टिंग का जी, तो आज वो वाकई बात सच हो गई कि वो आज हम अब बिग बॉस में भी चली गई, ठीक है, तो आज वो एक्टर भी बन गई। हाँ, वो सपना तो, जो है हाँ, देखा सपना था, हो वो गया पूरा कर दिखाया। हाँ, तो जैसे जो एक्टर्स जाते थे, सिंगर जाते थे बाहर, कभी कोई कनाडा शो लगा रहा है, कोई इंग्लैंड शो लगा रहा है, कोई अमेरिका शो लगा रहा है, तो आज देखो शो भी लगा रही है वो, कनाडा भी होके आ गई, ऑस्ट्रेलिया भी होके आ गई, है ना, हर जगह घूम के आ गई। तो अभी बिग बॉस का उसका एक सपना था जी कि मैं भी बिग बॉस में जाऊंगी, तो वो आज पूरा हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। और इस बात पे डेफिनेटली कि एक प्राउड फीलिंग आती होगी, है ना, कि यहाँ पे अच्छा लगता है। देखो जब आप बच्चे ही होते हैं जो हमारा एक नाम रोशन करते हैं, तो मेरे दो बच्चे हैं प्रवीण जी, तो एक मेरा बेटा है, एक मेरी बेटी है शहनाज, आप देख रहे हो, तो एक बेटा है, दोनों ही मेरे, चलो मालिक का शुक्र है कि दोनों मेरे कहने में हैं। तो कहने में इसलिए है कि जब वो कोई डिमांड करते थे कि मैं भी पूरी करता था जी जी, है ना, अच्छी एजुकेशन दी, जैसे वो शहनाज ने अभी पिछले टास्क में जब वो आई थी घर पे, लक्ष्मी जी आई थी, हाँ, है ना? जी जी, तो उसमें शहनाज ने अपनी वीकनेस बताई थी कि मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छा स्कूल था, हिल टॉप डलहौजी स्कूल, सबसे महंगा और अच्छा स्कूल है डलहौजी में, लेकिन क्या था कि उसका जो एक्टिंग की तरफ ज़्यादा ख्याल था,
ओके है ना। तो क्या था, अभी उसने अपनी वीकनेस बताई कि मैं स्कूल में गई थी, वहाँ क्या था कि अभी डलहौजी में कोई बच्चा दिल्ली से पढ़ रहा है आके, कोई उधर का कश्मीर का है, कोई कहीं का है, वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको इंग्लिश बोलनी आती है, तो इसको थोड़ी सी क्या था कि वो इंग्लिश में बात करते थे, जे उसके मुंह की तरफ देखती थी, और उसने ये बात शेयर भी की थी वो जब लक्ष्मी जी आई थी घर पे, कि मेरी वीकनेस थी, मैं उस टाइम पे सोचती थी कि ये लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो मैं उसकी तरफ ऐसे देखती थी, कि मैं भी कभी सोचती कि मैं भी इंग्लिश बोलूँगी, तो आज मैं बिग बॉस के घर पर हूँ, मेरे ख्वाब पूरे हो गए। तो ये था उसका बोलने का, जैसे लक्ष्मी जी आई उसने बोला। जी 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 जी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं संतोष जी, ये चीज़ ना मेरे अंदर भी थी अंग्रेजी को, क्योंकि हालांकि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारे कई बार इंटीरियर में ऐसा माहौल होता है, इंग्लिश स्पीकिंग का माहौल नहीं होता। तो फिर मुझे, तो मैं यहाँ पे आया था तो मुझे इंग्लिश बोलने वालों से डर लगता था पहले, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके डर के ऊपर जीत हासिल की और आज काफ़ी नेम फेम जो चीज़ें मिली है, अब मुझे उस चीज़ से डर नहीं लगता। तो वही टूल को शहनाज ने पॉजिटिव वे से जो है इस्तेमाल किया, वही अंग्रेजी जो उसकी उस तरीके से बोलनी ही उसकी क्यूटनेस बन गई और है। नहीं, एक बात है शहनाज की, अगर उससे आप लिखवा लो तो बहुत अच्छा लिखेगी, वो रिटर्न उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है कि शहनाज किसी चीज़ में भी, लेकिन उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना, इंग्लिश में, लेकिन आज वो उसके ख्वाब पूरे हो गए। देखो वो बोल रही थी मैं बिग बॉस के घर पे आके देखो इंग्लिश टीचर भी बन गई, मेरा ख्वाब था ना, वो एक टास्क आया था उसमें इंग्लिश टीचर बनी थी वो, जैसे और उसने बोला था मेरे कितने ख्वाब पूरे हो गए बिग बॉस के घर में आई मैं, मेरे सारे मतलब जितने ख्वाब थे वो पूरे कर दिए बिग बॉस ने। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.